ठीक है, डिक्रीजेस। इन्फ्लेशनरी गैप इज कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लेशनरी गैप इज कंट्रोल्ड। बहुत ही सिंपल है, जो आप पहले रेट्स पढ़ के आए हो उससे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ये है क्या, ढंग से सुनना। देखो मैंने आपको बताया जब फिस्कल की बात होती है, वर्ड फिस्कल, तो फिस्कल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो पहले हम रेवेन्यू पॉलिसी की बात कर रहे हैं और हमें पता सरकार का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स। तो इसको हम टैक्सेशन पॉलिसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट इस टैक्स के थ्रू भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल कर सकती है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो आंसर इज यस। पहली बार टैक्स होता क्या है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट मेड बाय हाउस होल्ड फर्म्स एक्सेट्रा विदाउट एनी रिटर्न, और वापसी में आपको कुछ नहीं मिलना। और सरकार का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्या है, टैक्स है ना। ज़्यादातर पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से। नॉन टैक्स रिसीट्स भी होती है गवर्नमेंट की, हमने पढ़ा था गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर, बट द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स। अब अगर हम बात करें, जरा देखो सामने, मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ मैंने क्या लिखवाया। टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है एक बताना जरा, कंपलसरी पेमेंट, ठीक है, किसको, टू दी मेड बाय हाउस होल्ड फर्म्स एक्सेट्रा विदाउट एनी। अब हम क्या करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर, मेन बात वो है। इधर देखना सरकार पता क्या करेगी, गवर्नमेंट ना टैक्स रेट्स बढ़ा देती है, टैक्स को क्या कर देती है, इंक्रीज। आप लोगों को मैंने और डिटेल में पढ़ाया हुआ है टैक्स के बारे में, है ना। दो टैक्स थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स मान रहा हूँ सीधा, ठीक है, सीधा डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। तो जब भी टैक्स बढ़ता है, टैक्स के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आता है, लोगों की कंट्री के अंदर पीडीआई कम हो जाते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आज पीडीआई के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, ये पीडीआई होती क्या है। देखो जब भी हम क्या करते हैं, हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो वो पीडीआई बन जाती है। क्या बन जाती है, पीडीआई। कहने का मतलब मेरी इनकम आई 1,00,000 रुपये, ठीक है, बट ये जो इनकम है मैंने अभी इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करा। मान लो मेरे को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ गया 10,000 डायरेक्ट टैक्स, मैं अपनी तरफ से अजम्पशन ले रहा हूँ सारी, ठीक है। तो कितना बचा मेरे पास, ये 90,000 जो बच रहा है, दिस इज़ द पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ना। इसका मतलब क्या होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, द इनकम विच इज़ रेडी टू बी डिस्पोज्ड, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। कौन सी इनकम को यूज़ और खर्चा कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे कर रखा है, समझ रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ मान लो कि ये 10,000 की जगह अगर 20,000 टैक्स पे करना पड़ता तो क्या होता, तो आपकी पीडीआई कितनी बचती, अब आपकी पीडीआई बचती कितनी, 80,000। तो मुझे बताना जब टैक्स रेट बढ़ता है, टैक्स रेट बढ़ता है तो पीडीआई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पीडीआई के कम होने से आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम होती है तो एडी कम हो जाती है, और एडी कम हो जाती है तो इन्फ्लेशनरी गैप इज कंट्रोल्ड। सिंपल सी बात थी, तो मैंने आपको ये लिखवाया था। देखो इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट इंक्रीजेस द, गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज कर देती है किसको, टैक्स रेट्स को इंक्रीज करती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक। उसकी वजह से पीपी डिक्रीज होती है, परचेजिंग पावर और एग्रीगेट डिमांड, एंड फाइनली इन्फ्लेशनरी गैप इज कंट्रोल्ड, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, जरा लिखना। सेकेंड क्या है, लिखो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर पॉलिसी।
अब जरा एक बार समझ लें जल्दी से। देखो जब भी हम एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, तो काफ़ी टाइप के एक्सपेंडिचर्स थे, हमने कहाँ पढ़ लिए थे, गवर्नमेंट बजट के अंदर। तो उसमें वहाँ पे एक एक्सपेंडिचर पढ़े थे हमने जिनका नाम था NPE, याद है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। अब ये नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होते क्या हैं? ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़ा देते हैं, है ना, बट क्या नहीं करते, प्रोडक्शन नहीं करते, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, यानी पैसा तो चला जाता है इकोनॉमी के अंदर बट उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट करना, है ना, तो ये क्या नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, तो सरकार खर्चे करती काफ़ी सारे। तो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी विदाउट इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम यह है कि इससे इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी के अंदर इन खर्चों की वजह से। क्या जाती है? इन्फ्लेशनरी। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से क्या होगा? परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो एडी बढ़ेगी, और एडी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन, बट इन्फ्लेशन नहीं आती अगर प्रोडक्शन भी हो रहा होता। प्रोडक्शन होता देखो, तो डिमांड बढ़ रही है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती और दोनों आपस में क्या रहते, इक्वल, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, और एग्रीगेट सप्लाई वहीं की वहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई, एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसलिए इन्फ्लेशन आ जाती है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए? नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को क्या करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर? डिक्रीज कर देना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो व्हेन गवर्नमेंट डिक्रीजेस द नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स, NPE, NPE का मतलब नॉन प्रोडक्टिव को हमने क्या कर दिया? डिक्रीज। तो इससे क्या होगा? वेरी गुड, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी भी कम, सप्लाई ऑफ मनी कम तो, और परचेजिंग पावर कम तो एडी कम, और क्या कंट्रोल? इन्फ्लेशन, हाँ, इन्फ्लेशनरी गैप इज कंट्रोल। कितना सिंपल था, बात समझ में आ गई? तो वो इन्फ्लेशनरी नहीं होते ना नेचर के अंदर। मैंने क्या बोला, मैंने एनपीई क्यों लिए हैं, क्योंकि ये यही वो खर्चे हैं जो इन्फ्लेशनरी हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से तो क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ती है तो इधर से प्रोडक्शन भी तो बढ़ रहा है ना, तो फिर कहाँ इन्फ्लेशन आने की चांसेस है? डिमांड भी बढ़ गई है तो सप्लाई भी बढ़ गई, दोनों तो आपस में इक्वली है ना, इसलिए। समझे बात? देखो ऐसा होता है, मैं आपको अलग लेवल पर समझाता हूँ एक बात। देखो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, मान लो ऐसे नॉर्मल में प्राइस का खेल बता रहा हूँ आपको, यहाँ प्राइस है, तो अभी प्राइस क्या चल रहा है जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल है, ये चल रहा है ओपी, ठीक है। अब मुझे बताओ जब एग्रीगेट हो, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है तो डिमांड पे इम्पैक्ट डालती है, मान लो डिमांड बढ़ गई है ना, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ेगी तो राइट में शिफ्ट करेगी। मैं भी सिर्फ प्राइस के वेरिएशन में बता रहा हूँ, ठीक है, और सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो सप्लाई नहीं बढ़ रही तो देखो यहाँ पे कट करेगा ये, तो चेक करो क्या प्राइस आपके बढ़ जाएंगे, देखो है ना प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या होता अगर सप्लाई भी बढ़ जाती, अगर सप्लाई भी बढ़ जाती तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो प्राइस देखो क्या है, बात समझे? ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए मैंने कौन से एक्सपेंडिचर्स लिए हैं? नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। समझ में आ रही है बात? आगे चले, ठीक है। अब एक लास्ट हमारा जो बचा है, दैट इज, लिखो ज़रा, that I'ma slow down, but wanna hear it talking shit from the drama, coming up and send you to your mama, Mr. Whip, 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 get the gun down, dropping bodies in the place till the sun's out, can't fuck with this, I'm going to try, just let the bullets fly, I'm the last one to die. कंट्रोल। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, आज पता होना चाहिए इसको। देखो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है न्यू करेंसी को प्रिंट करना। क्या करना? न्यू करेंसी को प्रिंट करना, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द आरबीआई। इसको कौन कर रहा है? आरबीआई। अब
आरबीआई एक्चुअली अपनी मर्जी से नहीं करने लगता। एक्चुअली आपको पता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है ना, और गवर्नमेंट का इतनी इनकम या रेवेन्यू नहीं है। तो हमने बजट में पढ़ा था, हमारा बजट किस में रहता है? डेफिसिट में। तो ये डेफिसिट मीट कहाँ से होता है? इसको हम मैं डेफिसिट की सिचुएशन ही तो बोलूँगा। ये क्या है? ये डेफिसिट ही तो है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम क्या है? कम। ये डेफिसिट कहाँ से पूरा होगा? तो इनको क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को लोन लेने पड़ते हैं, बोरोइंग्स, तभी फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होता है ना। ठीक, अब बोरोइंग्स लेने के लिए ये कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई से बोलते हैं कि भाई हमारा जो डेफिसिट है उसको पूरा करो, हमारे डेफिसिट को फाइनेंस करो। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करना लगता है। अगर आरबीआई इनके डेफिसिट को फाइनेंस कर रहा है बाय प्रिंटिंग दी न्यू करेंसी, देन द प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब नई करेंसी प्रिंट हो रही है तो इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़ेगी। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई तो आपको पता है सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, और फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, और फिर डिमांड बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें इसको अपोजिट करना है, हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करना है ताकि सप्लाई ऑफ मनी कम हो, परचेजिंग पावर कम हो, और एग्रीगेट डिमांड कम हो, और इन्फ्लेशन क्या हो जाए? कंट्रोल। कितनी सिंपल सी बात है, एक बार रीड कर लो जल्दी से।